تنتهى بدنك سيكا بمزي شيحة هركب الصعب ركن البيجو نكش الشعر هبل في المزيكا تنتهى بدنك سيكا بمزي شيحة هركب الصعب ركن البيجو نكش الشعر شيحة ركب الهبل انا بيكا مش هف इजाजत मिल गई और आपका भाई अभी कहाँ है वह आओ तुम लोग को दिखाता हूँ यार मंडी में तो सारी रौनक ही खत्म हो गई सारे अच्छे अच्छे बछड़े बड़े बड़े खड़े हुए थे मंडी में वो सारे शार्ट हैं क्या हाल हो गया यार मंडी का इतना सुनसान क्यों है मंडी मुझे चाहिए कोई गाय का बच्चा यार जो अगले साल कुर्बानी करे या तो फिर अगले से अगले साल लेकिन आपका भाई क्या सीन करेगा आज व्यापारियों पे बर्गर होने का प्रैंक करेगा उसे तुम लोग देखना ये लोग रेट कितने ज्यादा बढ़ा देते हैं अबे ये ना अच्छा यार बच्चा है ये तो गाय का जी बच्चा है बच्चा है कितने दांत का है ये खीरा है अगले साल तैयार हो जाएगा अगले साल तो साल इंशाल्लाह 6 साल से नाइस गुड हाउ मच एजुकेशन यू हैव गिवन इंग्लिश नहीं आता है इंग्लिश नहीं आता है इसने इंग्लिश पढ़ा है नहीं पढ़ा है ये कहां से पढ़ेगा इंग्लिश इंग्लिश तो मैंने भी नहीं पढ़ा वैसे जब भी तो यूट्यूबर बन गया कितने का यार वैसे छोड़ो आप ये है 95 95 कितने होते हैं हाउ मच 95 उर्दू में 95 लाख में 5 कम लाख में 5 कम उड़ी ये तो बहुत महंगा यार अगले साल फिर 4 साढ़े 4 का बनेगा नहीं नहीं यार बच्चा भी 95,000 अबे क्या हो गया इतना महंगा क्यों है भाई क्या है खा रहा है ना खर्चा खा रहा है खर्चा खा रहा है पानी का दाने का खर्चा होता है अच्छा चीज देखो यार ये तो बहुत महंगा है यार फाइनल बताएं इसके फाइनल देने वाले आप बोले अब तो ईद भी खत्म हो गई अब तो हम पालेंगे इसको 20,000 ले लें बहुत है इसके अच्छा क्या कहते हैं नहीं भाई यार कर लेना अभी क्या करेंगे 20,000 का बकरे का बच्चा नहीं मिलता है 20,000 का बकरे का बच्चा नहीं मिल रहा यार क्या हो गया है तो अच्छा यार लेकिन पैसे बहुत ज्यादा है इसके 95,000 ये 2 साल लगेंगे इसको हाँ बड़ा होने में अगले साल में तैयार हो जाएगा वो तो छोटा होगा लेकिन अच्छा अगले साल तक बड़ा हो जाएगा 12 महीने पड़ेगा अबे यार जब से वैम्पायर पे ना चोरी वाला प्रैंक किया तब से उसने काम से निकाल दिया अब यहाँ पे जानवरों का गोबर साइड पे कर रहा हूँ और इनकी खिदमत कर रहा हूँ काम धंधा करने को नहीं है यहाँ पे मेहनत मजदूरी करनी पड़ रही है मेरे को वैम्पायर तो पता नहीं कहाँ पे घूम रहा होगा आजकल मेरे उस्ताद मेरे को दिन के 500 देते हैं उस्ताद यार 600 दे देंगे 500 बहुत है अरे यार इतनी मेहनत की है पूरा गाय का चारा साफ किया यार भाई दूसरे को 300 देते हैं आपको 500 दे रहे हैं मेरे को ज्यादा दे रहे हो ना चलो ये भी सही है मेरे को 500 मिल रहे हैं लेकिन यार दिन के 500 बहुत कम है ये भी है यार जानवर तो ये बछिया है अगले साल तो फुल मोटी मोटी हो जाएगी ये जानवर भी बहुत खूबसूरत बनेगा अगर बड़ा हो गया ना ये छोटे जानवर होते हैं ना इनके अंदर बड़ी मस्ती होती है ये कभी भी लात भी मार सकते हैं इससे बच के रहना पड़ता है क्यों सही बात है ना कोई देखना पड़ेगा यार अपने बजट का जानवर अबे इसकी तो रस्सी नहीं है तो खुला हुआ है इसका मत्था शार्ट हुआ ना ये घुस के फट जाएगा मेरे अंदर भाई अबे ये खूबसूरत है यार ये तो बहुत खूबसूरत जानवर है यार माशाल्लाह कितने का है ये कितने का एक बीस कितने दांत का है 4 दांत इतना सा फिर तो फायदा नहीं है इतना सा 4 दांत का है भाई हमें तो अगले साल की कुर्बानी के लिए चाहिए कोई अच्छा सा जानवर हो भले अगले साल हो या हम उसको पालें सही तरीके से ये सारे भी हैं लेकिन ये सारे बड़े हैं दिखने में छोटे हैं लेकिन ये बड़े हैं ये चड्डी पहन के कौन आ रहा है ओ भाई ये मंडी में चड्डियां पहन के नहीं घूम काम कर सही समझा रहा हूँ ये चड्डियां पहन के मंडी में नहीं आया करो गर्मी है तो क्या चड्डी पहन के घूमोगे जानवर लेना भी है तुम्हें या ऐसी आ गए हो क्या 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 इधर उधर क्या देख रहा है आ गया भाई आ गए छुपाओ फोन फोन गया जेब में चले गए यार मंडी खाली से कितनी अजीब लग रही है इससे 5-10 दिन पहले आओ इतनी रौनक होती थी गाय भरी हुई होती थी चलने तक की यहाँ से जगह नहीं होती थी गाय होती थी बहुत अजीब लग रहा है यार ये देख के व्यापारी तक शॉर्ट है यार देखो पलंग पड़ा हुआ है कोई बंदा नहीं है मंडी में कोई कुछ नहीं है फुल सन्नाटे में चल रही है ये सामने जानवर है इसको बीमारी हुई है शायद इसको छोड़ो भाई गाय तो नजर नहीं आ रही ये कौन सा जानवर है भाई ऐसा गुस्से से क्यों देख रहा मेरे को इधर से कल्टी हो जाओ वही बेहतर है ये नहीं कि ये जानवर पीछे लग जाए वैसे 24 घंटे व्यापारी ऊपर ही रहते हैं देखते हैं ऊपर कौन है ऊपर तो कोई भी नहीं है यार ये तो खाली पड़ा हुआ है लेकिन टाइट घर बनाया हुआ है यार देख रहे हो प्रॉपर घर बनाया हुआ मंडी में बकरा ईद के दिनों में इधर आओ क्या ही तफरी आएगी अब मजा नहीं है यार वो वाली मंडी में जैसे वाइब अबे क्या चीज आई अबे तू आ गया मेरे को लगा अबे बंदर कहां से आ रहे हैं ऊपर से लटक मेरे को लगा तू अगला साल आएगा फिर तेरे को महंगे जानवर बेचूंगा 8-8 लाख के लेकिन तू तो अभी आ गया तू मेरे को लेने आया ना पक्का मेरे को उम्मीद थी मेरे को नहीं भूलेगा तू अबे ओ बोलूंगा कुछ छोड़ अभी क्या मतलब मेरे को लेने नहीं आया जानवर लेने आया हूँ बंदर लेने नहीं आया गाय लेने आया हूँ जानवर मैं दिलाता हूँ ना काहे मंडी खाली है मेरे को सिर्फ एक जगह पता है वहाँ पे जानवर है अबे आधी से ज्यादा मंडी खाली है मुझे अगले साल के लिए जानवर चाहिए वहाँ ना दिलवा रहा हूँ बेटा तेरा कोई भरोसा नहीं है अब तेरे पे मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है तूने जो चोरी वाला प्रैंक किया था ना मैं सौदा बना रहा हूँ तेरा अच्छे रेट में देखते हैं चल इस बार मैं पूरी कड़ी से कड़ी नजर रखूंगा इस पे डाउट 300% कमीशन चल चल चल
भी नहीं कर। तेरे को जानवर चाहिए ना, ये देख बेस्ट माल है। ओ ये अपनी बिरादरी वालों को नहीं, इधर आ भाई, मुझे जानवर चाहिए अगले साल के पीछे लग जाएगा। बजट के बगैर सौदा नहीं होता भाई। बजट तकरीबन है 20-25 हजार। इसमें बकरा भी नहीं आना, वापसी चला जाओ। अबे मिलेगा, चल। हाँ नहीं तो, अबे ये बछिया है, ये कितने दांत की होगी? ये है कोई 6 दांत की। अबे पागल वागल हो गया क्या? ये छोटी है लेकिन बछिया नहीं चाहिए भाई, बछिया बड़ी खुर्राट होती है। यहाँ पे तो लाइन से सारी बछिया है यार, हमें बछड़ा ही चाहिए लेकिन हो भी थोड़ा छोटा। इन दोनों की तो सिंगे ही बहुत बड़ी है, ये थोड़े से और बड़े होंगे, सिंगे भी इतनी बड़ी हो। लात मार रही है, चारा पड़ा हुआ है गाय का बिचारी का, लेकिन खाने के लिए गाय नहीं है। पकड़ ली इसकी सिंग। बस इसकी सिंग कैसी हो रही है यार, ऐसा लग रहा है एल्फी से लगाई हुई है, बिल्कुल खुरखुरी हो रही है। हाँ इतनी हाइट तक का चाहिए यार, ये बिल्कुल सही लग रहा है। छोटा बच्चा भी है और उसको पाल भी सकते हैं। बछड़ा नहीं है भाई, ये भैंस है। तो भैंस में भी बछड़ा होता है। चलोगी क्या साथ घर पे? हमारा बहुत ख्याल रखूंगा, नहीं निकालूंगा दूध। छोड़ दे यार, क्यों तंग कर रहा है जानवरों को? क्या खा रही हो? मावा खा रही हो? ये क्या है? समंदर कहाँ से आ रहा है? फव्वारा निकाल दिया तुमने तो। अबे व्यापारी व्यापारी तो है नहीं, गाय वाय खोल के निकलते हैं यार, क्या करना है? कैसी बातें कर रहा है? ऊपर सो रहा है वो, डायरेक्ट जंप मार के मारेगा। अबे कौन है? अबे वो तो ऊपर सो रहा है यार। काटवाड़ी गाय शार्ट करदा पे, गाय शार्ट करेंगे, ऊपर से सिंगम वाला पंच मारेगा। सिंगम व्यापारी बोल रहा है भाई, बकरा भी नहीं मिलेगा 25 हजार में, लगता है ये मुर्गियां ही लेनी पड़ेगी। अबे क्या क्यूट सा गाय का बच्चा यार, मेरे ख्याल ये इसका बच्चा है। कितने का है ये बच्चा? 2,20,000। 1,20,000 खीरा है, अगले साल तक का है, अगले साल का बछड़ा है। ये बिल्कुल सही लग रहा है यार, 1,20,000 का, लेकिन है तो क्यूट सा छोटा। सलामी देखो इसकी, तुम्हारे बच्चे को ले जाऊं बुरा तो नहीं मानोगी? यार है यार, लेकिन 1,20,000 अगर मेरे पास होते ना तो मैं अभी यहाँ नहीं होता, मैं चिक डंडिया खा रहा होता। अभी क्या पड़ा हुआ है? अबे गाय की सिंग है ना ये? आइए मैं एलपी से चिपकाता हूँ। अभी क्या काम कर रहे हो यार तुम लोग मंडी में? वैसे सीक्रेट तो बता, ये मंडी वाले इतना महंगा क्यों देते हैं जानवर? मैंने पूरे 2 हफ्ते काम किया, मेरे को ना इनके सारे सीक्रेट पता चला। बता ना। इनके सीक्रेट ये लोग ना 10-20 हजार में लाते हैं जानवर, और उसको तकरीबन 1 महीना पाल के 10 लाख में बेचते हैं। क्या बात कर रहा है? फिर तो यूट्यूब छोड़ के यही काम करना चाहिए। अभी तो मैं यहाँ पे हूँ, व्यापारी बना हुआ। फिर तू वीडियो में आने के लिए चलेगा या नहीं? नहीं मैं नहीं जा रहा, जेब में मेरा पैसा बहुत है। बातें करवा लो बस इनसे। अभी तो वही जगह है जहाँ से हमने अपनी अभी इस साल गाय ली है, यहाँ गाय खड़ी हुई थी और यहाँ बैठ के हम सौदा कर रहे थे। अब देखो कितना सुनसान हो गया, इतने इतने से बछड़े खड़े हुए, सब कुछ फीका पड़ गया यार। अबे ये वाले बछड़े छोड़ भाई, मैं तेरे को दिलाता हूं। अबे देख के गोबर, ये बाहर वाले जानवर फारी गए, मैं तेरे को सही वाले जानवर दिखाता हूँ। इधर कहाँ ले जा रहा है भाई तू? असली वाले जो जानवर है ना, जो छुपाए हुए हैं वो यहाँ पे। पागल है क्या? अंदर जा, घर है। ओए पागल, वो बोले घर है, किसी के घर में घुस रहा है तू? जानवर के मालिक का इंसान का बच्चा बन, पिटवा के निकालेगा मंडी से हमें। ये बछड़ा टाइड है यार। अबे तो बकरा है। अबे बहुत क्यूट जानवर है यार ये तो। ये डन कर भाई, ये डन कर। कितने का अंकल? ये 1.5 लाख का। 1.5 लाख सोचते हैं अगले साल, सोचते हैं इसके बारे में। अबे तेरे को लेना वेना भी है? सही सही जानवर मिल रहे, इतना प्यारा क्यूट मिल रहा है। 1.5 लाख का जानवर है और मैं लेने ही आया हूँ, डाला लेके आऊँ, डाले में डाल के लेके जाएंगे। चलना फिर आगे और देखते हैं। अबे ये पसंद आ रहा है यार, ये टहला वेला के तो देखते हैं यार, शायद पसंद आ जाए। शॉट करने की प्लानिंग तो नहीं है? नहीं नहीं शॉट करने की प्लानिंग नहीं है, थोड़ा चला के देखते हैं, सोचते हैं इसके बारे में। चलो रस्सी तो खोलो। अबे तूने इसको निकाल भी लिया भाई, क्या हुआ? पैसे मांग लेगा वो? अबे ये तो छोटा सा बछड़ा तेरे को झगड़ा दे रहा है, तू क्या संभालेगा? और इनको पालना इतना आसान नहीं होता भाई, क्या कर रहा है? देख ले, मैं तो बोलता हूँ तू अगले साल ही आइयो, अभी थोड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा। अबे यार चलो, चल मेरे साथ, तेरे को घर ले जाऊंगा यार। एक तो इतना महंगा है, 1.5 लाख का भाई, एटीट्यूड है उसमें, गर्मी बहुत है यार, चल आ जा। और नहीं जाना चाह रहा बाकी में, सुपरा जाम गया है इसके, है तो बहुत प्यारा यार माशाल्लाह से। तो ले लो ना, अगर ले लिया ना इसको अगले साल सोचो कितना क्यूट निकलेगा, बहुत प्यारा सा निकलेगा, लेकिन इसकी देखभाल भी बहुत करनी पड़ेगी। जो पैसे दे 1.5 लाख दे। अरे वो तो 1.5 लाख के पीछे लग गए। 1.5 लाख दे, ले जाओ अगले साल ले लेंगे। 1.5 लाख बोले, मोबाइल बेच दे यार, ये मोबाइल बेचना पड़ेगा, यूट्यूब चैनल बेचना पड़ेगा मुझे। 1.5 लाख दे, क्या कह रहे हैं? 1.5 लाख अभी दे दे, अगले साल 3 लाख मेरे को। अगर इसको हम पालें तो कितना खर्चा हो जाएगा इस पे अगले साल? 1 लाख रुपए हो जाएगा। कितना? 1 लाख रुपए तो ये हो जाएगी 2.5 लाख की। 4 लाख 4 लाख की, अभी तो 3 लाख बोल लेते यार। तो खर्चा ज्यादा करेगा तो 1 लाख बड़ा। टाइम ज्यादा हो गया ना, महंगा हो गया अभी से ही भाई, ये तो इतने महंगे हो गए, इतने इतने से जानवर अगले साल आएंगे तो सोने के भाव होंगे ये। इंशाल्लाह बोल रहे हैं यार, हम गरीबों का क्या होगा यार। अरे अरे चलो इसकी माँ के पास लेके जाता हूँ, उसको दूध दूध पिएगा। आ जाना, चल आ जाना, क्यों नखरे करता है? इन जानवरों का अभी से नखरे हो गए यार, अभी तो ईद भी नहीं आई है। इसकी माँ आ गई ना, पीले पीले दूध पीले दूध पी ले। अबे क्यों मुझे लात मार रही है? अरे अरे इसको क्या हो रहा है, इसको क्या हो रहा है? डॉक्टर साहब देखे जरा क्या हो गया इसको। देखते सार उठ गया, ये तो देखते के साथ ही खड़ा हो गया तुम्हें। यार ये तो बहुत महंगा यार, लास्ट इसके कोई 1.30 बोल रहे हैं, 1.20 बोल रहे हैं, इतना बजट नहीं है यार। बच्चा चाहिए गाय का छोटा, थे तो तुम बहुत प्यारे लेकिन बजट से बाहर थे, औकात से बाहर थे। चलते हैं अब और जानवर देखते हैं, घूमना पड़ेगा ये मंडी में, क्योंकि मंडी में आजकल जानवर कम है और खुआरी ज्यादा हो रही है यार। ऑफ कैमरा ढूंढता हूँ, फिर उसको अब मिलता है तो कोई अगर सौदा होता है तो फिर मैं कैमरा खोलूंगा। अब जाके सौदा हुआ है भाई, तकरीबन मंडी में खुआर हुए हैं कुत्ते की तरह, आधा घंटा तो हमें हो गया था। खैर ये लिए, बहुत प्यारा बच्चा है, देखो क्या क्यूट बच्चा है। तुम लोगों को यकीन नहीं होगा कितने में सौदा।
ज्यादा हुआ है, बहुत पंचायत की है, ये ज्यादा ही बता रहे थे भाई, तकरीबन 40-50 बता रहे थे, लेकिन ऑफ कैमरा बात की तो बनता है सौदा यार, ये ले 15,000 में। 15,000 में हाँ सही है ना, अभी अब क्या, अब तो बात हो गई, अब खैर हो गई, बात हो गई, अब खैर है, अब रस्सी हमने हाथ में ले लिया, अब हम जा रहे हैं, बहुत है बे 15,000 में देख रहे हो, टाइट ले लिया मेरे हिसाब से, तुम लोग बताओ कैसा लिया, ये तकरीबन उसको 1.5 साल पालेंगे, आ जाओ यार, क्यों घबरा रही हो, ढाले में डालते हैं इसको और लेके चलते हैं, चल भाग 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 भाग, हीड़े 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 हीड़े, यार ये भागने वाली नहीं है, इसको ट्रेन करेंगे ना, जब 1.5 साल में ये ऐसी हो जाएगी, मैं रस्सी भी छोड़ दूंगा ना, पीछे पीछे आएगी, ये सीन करेंगे इंशाल्लाह, अभी गर्मी बहुत हो रही है यार, इसको डालते हैं डाले में यार फौरन से, अब कैमरामैन ने तो उसको गोद में उठा लिया यार, गर्मी बहुत है और ये छोटा जानवर है, वो बोल रहे हैं गर्मी में इसको ज्यादा देर नहीं रखो, ले जाओ और डाले के अंदर डालते हैं, मैं तो कहता हूँ एसी में जाएगा, अबे नहीं 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 बाहर से ही बाहर गया, सही चल चल डाल दे डाले में इसको, चलो भाई इसकी लोडिंग अनलोडिंग में तो वो मसला ही नहीं है यार, गिरेगा लगेगी, सुकून वाली इसकी लोडिंग हो चुकी है, अब चलते हैं इसको लेके घर, पहले तो घर पे भी दिखाऊं ना, घर वाले बोलेंगे क्या ले आया, बैठते हैं यार गाड़ी में, चलो भाई पानी पीते हैं यार, बहुत प्यास लग रही है, गाय तो हमारी पीछे, पानी की बोतल पकड़ लेते हैं, जूस पकड़ लिया, गर्मी में जूस का मजा ही कुछ और, अबे भाई पीछे देखो गाय कितने मजे में है, मुंह निकाल के सही इधर उधर झांक रही है, लोगों को देख रही है, अब कोई नहीं पूछेगा उस्ताद कितने का लिया, अब सब अपने कामों में लगे हुए, वरना ईद के दिनों में तो भाई गाय ऐसे निकले दिमाग खराब कर देते हैं लोग, कितने का लिया कितने का लिया, हां भाई गाय के मजे आ रहे हैं, टेंशन नहीं लेनी, बस थोड़ी रास्ता रह गया, अरे भाई इसको संभाल के रखियो, ये ना हो जाने से सलाख मार दे, हवा वगैरह इसको सही लग रही है ना, गर्मी तो नहीं लग रही ज्यादा, पकड़ के रखा था ये ना, तुम भी इसके साथ जाओ, अरे मेरी पोर्स किधर जा रही है यार, तूने चाबी किसको दी है, ये मैकेनिक को दिया, सही कराने लेके जा रहे हैं, अबे यार मेरी पोर्स ले गया, ये वाली तो नहीं है पोर्स, ये नहीं है ये नहीं है, वो आगे जा रही है, वो रही क्या लग रही है यार, दुबई में वैसे बहुत देखी है, लेकिन यहाँ कराची में तो इन गाड़ियों के बीच में अलग ही लग रही है, अरे अरे ये क्या चल रहा है भाई, मैकेनिक बोनट के ऊपर बैठा हुआ गाड़ी चला रहा है, ये पता नहीं क्या सीन था, फाइनली भाई पहुंच गए, अब होगी गाय की अनलोडिंग, बोलो भाई ये, अबे खुदा मत दियो टांगे वांगे टूट जाएंगी, इतनी सी तो है, इसकी अनलोडिंग का तरीका अलग होगा, ये देखो ओड़े ओड़े ओड़े। ये गोद में रख के सुकून से प्यार से ओए ओए। अब आजाद घूम, रस्सी छूट गई शार्ट ना हो जाए, चल आ जा यार प्लॉट में ले आना उसको जहाँ पे हमारी गाय बंधी थी, और एक बात बताऊँ पानी पता है किस तरह पीता है ये, इसमें चुस्नी लगा के, चलो यार इसको पिला के देखते हैं, ओरे भाई अब कैसे पी रहा है यार, छोटे बच्चों की तरह फीडर में पीता ही है, वैसे तो अपनी माँ का दूध पीता होगा लेकिन इसकी वो बोल रहे माँ है नहीं, माँ होती तो कोशिश करते उसको भी खरीद ले, अबे क्या पी रहा है यार, आवाजें सुनो मजे आ रहे हैं इसके, बस पूरी बोतल कटक जाएगा क्या इसका, बस चले तो एक कोल्ड ड्रिंक है पिलाएगा, अब इसका ठिकाना देखते हैं सही तरीके से, अभी फिलहाल तो उसका खाना पीना करना है, थोड़ा बहुत तो खाना पीना ले आए थे हम इसका, तुम लोग बोलोगे ऐसी ले लिया क्या करेंगे इसका, भाई इसको प्रॉपर तरीके से हम रखेंगे और इसकी सही से देखभाल करेंगे, अगले साल या अगले से अगले साल इसकी कुर्बानी होगी, और जब तक तो ये हमारे पास है बहुत खेलेंगे इसके साथ, अभी इसका ठिकाना वगैरह देखते हैं जगह बनाते हैं इसकी सही से, फिलहाल ये व्लॉग मैं एंड कर रहा हूं, नया व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूं, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, लाइक और सब्सक्राइब कर देना यार, अगर तुम लोग नए हो सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, ये तो गलत बात है, चलो शार्ट।